अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब रहमान और आप देख रहे हैं SRU। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं वो है चाइना और इंडिया की लद्दाख बॉर्डर पे करंट सिचुएशन। ये वही इंडिया है जो पाकिस्तान के सामने तो बहुत भड़के मारता है, कभी कहता है हमने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की, कभी कहता है हमने जैश मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया और उनके 300 दहशतगर्द मार दिए। लेकिन हकीकत आप लोगों को भी पता है, वो आते हैं कभी हमारे दरख्त गिरा के चले जाते हैं और अगले ही दिन हम उनके तैयारे गिराते हैं, उनके पायलट को पकड़ते हैं। ये वही इंडिया है जो पाकिस्तान के सामने भड़के मारने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त इन चाइना के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। इस मामले में, इस टॉपिक पे मैंने कुछ रिसर्च की है जो कि मैं आप लोगों तक लाया हूं। काइंडली आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंडिया के दिफाई तज़ियाकार अजय शोकले, जिनकी इंडिया में काफी मकबूलियत है और लोग उनके कॉलम्स को पसंद करते हैं और पढ़ते हैं, वो इस सारी सिचुएशन में एक कॉलम लिखते हैं और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉलम है, ये किसी पाकिस्तानी तज़ियाकार या पाकिस्तानी सहाफी ने नहीं लिखा, बल्कि ये खुद उनके अपने दिफाई तज़ियाकार ने लिखा है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि 1999 के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे मुल्क की फौज ने इंडिया पे अटैक किया है और वो इंडियन साइड पे आई है। इससे पहले आप लोगों को याद होगा 99 में जब कारगिल का मार्का था तो पाकिस्तान ने इंडिया से कुछ एरियाज छीने थे, ऑक्यूपाई किए थे, लेकिन बाद में जब यूएन ने आके ये जंग रुकवाई तो पाकिस्तान वापस अपने एरिया में आ गया और पाकिस्तान अभी भी क्लेम करता है कि वो एरियाज पाकिस्तान के अंडर आने चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो पॉइंट वो बताते हैं, वो कहते हैं कि इस टाइम तकरीबन 5,000 से 10,000 तक चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन साइड पे आ चुके हैं। उनकी एक स्पेशल आर्मी की आगे ब्रांच है, PLA, पब्लिक लिबरेशन आर्मी जिसे कहा जाता है, उसके तकरीबन 5,000 से 10,000 तक ट्रूप्स इंडियन साइड पे आ चुके हैं। फिर चाइना ने जो जो इंडिया के एरियाज पे जिन इंडिया के एरियाज पे कब्जा कर लिया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये उस तज़ियाकार के मुताबिक ये एरियाज हैं। सबसे पहले एक गलवान रिवर है उधर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उस साइड में उसके इर्द गिर्द 4 एरियाज हैं जिसकी अभी खबरें ये आ रही हैं कि वो एरियाज चाइना ने अपने कब्जे पे ले लिए हैं। इसी तरीके से उस साइड पे एक लेक है जिसे कहते हैं पेंगोंग लेक। अगर आप लोगों ने इंडियन एक मूवी है 3 Idiots अगर वो देखी होगी तो उसके भी कुछ सीन्स इस पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द शूट किए गए हैं। सो ये एरिया भी इस टाइम चाइनीज आर्मी के अंडर आ चुका है। फिर जब 99 की वॉर हो रही थी, कारगिल की जंग, उस टाइम चाइना ने एक बहुत ही थोड़े वक्त में एक रोड बनाई थी। उस रोड का चाइना को अब जाके फायदा हो रहा है। वो रोड चाइना ने पेट्रोलियम के मकसद के लिए बनाई थी लेकिन उसका फायदा अब आके हो रहा है। फिर वो लिखते हैं कि इस टाइम चाइना हैवी मशीनरी, हैवी कंस्ट्रक्शन की मशीन्स, आर्टिलरी टैंक्स वगैरह जो है वो इंडियन साइड पे तेजी के साथ लेके आ रहा है। इसी तरीके से हमने कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना के 3 जेट्स भी हैं जिन्होंने जो इंडियन साइड पे 30 किलोमीटर तक अंदर गए और फिर वापस मुड़ के आए। सबसे ज्यादा जो इस टाइम में इंडिया को मसला चल रहा है, जो कि ये तज़ियाकार भी बताते हैं, इंडियन मीडिया भी रो रहा है, कि वो ये है कि इंडिया की तरफ से कोई पावर नहीं शो की जा रही, इंडिया कोई रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा, बस कुछ उनके ऑफिसर्स, कुछ सिपाही जो हैं वो बैनर्स लेके आ जाते हैं और कहते हैं चाइना प्लीज गो बैक, यू आर वायलेटिंग आवर टेरिटरीज। ये सिर्फ इस टाइम हमने इंडिया की तरफ से देखा है। इस टाइम इंडिया के लिए जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि चाइना जिन एरियाज को अपना एरिया समझता था इससे पहले भी, जो कि कश्मीर के एरियाज हैं लद्दाख साइड पे,
चाइना समझता है कि ये एरियाज मेरे हैं, लेकिन इस टाइम चाइना उन एरिया से भी आगे निकल चुका है जो कि एरियाज चाइना अपनी टेरिटरी समझता था, उस इस टाइम चाइना उन एरिया से भी आगे बढ़ चुका है और इस टाइम इंडिया के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इंडियन मीडिया इस मामले में कुछ दिखा नहीं रहा खास, ताकि वो इसलिए क्योंकि वो मोदी गवर्नमेंट से खौफजदा है, मोदी गवर्नमेंट की जो नाकामियां हैं वो मीडिया पे दिखाना नहीं चाहते। फिर भारत के डिफेंस मिनिस्टर रजनाथ सिंह अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर को कॉल करते हैं और उन्हें इस सारी सिचुएशन से आगाह करते हैं। इन्हें तो ये लग रहा था कि अमेरिका की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा इन्हें, लेकिन चूंकि ये हुआ नहीं, अमेरिका ये समझ रहे थे कि अमेरिका आगे से कहेगा कि हम आपके साथ हैं, आप चीन पे चढ़ाई करें हम आपका भरपूर साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये अपनी आवाम के सामने मुख्तलिफ बातें ला रहे हैं कि हमारी काफी अच्छी बातचीत हुई अमेरिका के साथ, दो तरफा तालुकात पे हमारी अच्छी बातचीत हुई और वगैरह वगैरह। अब ये जो सारा सिनेरियो है, मैं इसकी आप लोगों को वजूहात बताता हूँ जो कि मैंने कुछ रिसर्च की है। आखिर चीन को इंडिया से क्या तहफुजात हैं? सबसे पहले तो ये कि चीन का एक एरिया एक्साइचिन, ये चीन के अंडर आता है, लेकिन जब भारत ने 370 आर्टिकल की वायलेशन की और इस आर्टिकल को खत्म किया तो भारत ने इस एरिया को अपने मैप में शो किया, एक मैप दिखाया गया जिसमें ये शो किया कि ये एरिया इंडिया के अंडर आता है। फिर इसी तरीके से कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद पेश की गई अमेरिका की तरफ से COVID-19 के मुतालिक, और ये बताया गया कि ये जो वायरस है ये चाइना की लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, और इसमें इंडिया ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया जिसकी वजह से चाइना को इंडिया पे गुस्सा है। इसी तरीके से जब से सीपैक पे काम जारी हुआ है इंडिया ने हमेशा इसकी मुखालफत की है और चाहा है कि सीपैक को नुकसान पहुंचे, चूंकि सीपैक में पाकिस्तान और चीन दोनों का फायदा है तो ये नहीं चाहते कि इसको कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सके। अभी तक हमने ये देखी कि चाइना ने क्या डेवलपमेंट की है, चाइना ने बगैर कोई लड़ाई लड़े बगैर कोई गोली चलाए इस हद तक डेवलपमेंट्स कर ली हैं, और आगे चाइना कहां तक बढ़ता है और क्या इंडिया उसको रेजिस्ट करता है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है या इसी तरीके से भीगी भीगी बना रहता है, ये सब हम आने वाले दिनों में होते हुए देखेंगे। और ये सब जो भारत के साथ हो रहा है ये कश्मीरी लोगों की बदुआएं हैं, जिन कश्मीरी नौजवान को ये शहीद करते हैं, जिनकी ये लोग आंखें जाया करते हैं, जिन माओं के बेटे छीनते हैं और जिन खवातीन की ये बेगुर्मती करते हैं कश्मीर में, ये उन सब की बदुआएं हैं। और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर भारत से आजाद होके रहेगा, ये हमारा ईमान है। चाहे कश्मीर खुद मुख्तार रियासत बने चाहे ये पाकिस्तान के साथ शामिल हो, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा जब ये भारत के चुंगल से निकलेंगे और भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक आती रहें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।